दोस्तों टॉप कमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन से सरकारी नौकरी की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों बहुत बढ़िया मौका जो है वो OMC से डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए आ चुका है। मैं आपको बता दूं काफी अच्छा स्टाइफंड पे किया जा रहा है और सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी। मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1,12,400 पर मंथ। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कि कितने टाइम तक आपको ट्रेनिंग के लिए स्टाइफंड मिलेगा और कितने टाइम बाद आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होगी। तो चलिए अब देखते हैं ये OMC की जॉब के बारे में। देखिए यहाँ जो पोस्ट आई है वो आई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, और अगर हम डिटेल देखें तो ये जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 100 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 5, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 14, जूनियर नर्स के लिए 7 और जूनियर फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसीज जो है वो आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यदि आप इन जॉब्स पे अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपकी एज जो है 18 to 32 ईयर्स के बीच बीच होनी चाहिए। SC ST SC BC वुमेन PWD एंड स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज के लिए जो है वो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, और ये जो रिलैक्सेशन रहेगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स रहेगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए दोस्तों जो लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने डिग्री की हो किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA एंड देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ DCA PGDCA सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हैविंग MCA BCA BSc IT और BSc CS। और जो लोग जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और देखिए यदि आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और ये जो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन जूनियर नर्स की पोस्ट लेकर आया है इसके लिए +2 साइंस विद डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय HNFW डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड अप्रूव्ड बाय उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और देखिए जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए +2 साइंस विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड अप्रूव्ड बाय इंडियन फार्मेसी काउंसिल। तो ये तो हुई डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टाइफंड की। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाली है इनिशियली फॉर 1 ईयर जो है वो ट्रेनिंग के लिए होगी, और ट्रेनिंग के टाइम पीरियड में आपको जो है वो स्टाइफंड पे किया जाएगा। अब देखते हैं किस पोस्ट के लिए OMC कितना स्टाइफंड पे करेगा। अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो उसके लिए स्टाइफंड रहेगा 29,200। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो स्टाइफंड है वो सेम रहेगा 35,400। जूनियर नर्स और जूनियर फार्मासिस्ट के लिए भी 29,200 जो है वो स्टाइफंड पे किया जाएगा। और जैसे ही आपका एक साल का ट्रेनिंग ओवर होता है उसके बाद आपको जो है वो सैलरी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि क्या भर्ती की प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है। दोस्तों मैं आपको डिटेल में सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या राउंड्स जो है वो सिलेक्शन में फॉलो किए जाएंगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कहीं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और मैं आपको बता दूं हर एक पोस्ट के लिए जो है वो 120 मार्क्स का होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो CBT होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2.5 आवर्स का होगा, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जूनियर नर्स और जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो है वो 2 आवर्स का होगा। और जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं हर एक पोस्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज, तो मैं आपको बता दूं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, उधर जाकर आपको सब्जेक्ट वाइज सारा सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखिए यहाँ आपको 500 प्लस बैंक चार्जेस अगर एप्लीकेबल हैं तो पे करने हैं जो एप्लीकेशन फी के रूप में। और ये जो एप्लीकेशन फी है ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे करनी है। कुछ कैटेगरीज हैं जैसे ये इधर दे रखी है SC ST PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स पे। देखिए जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 19 मार्च 2020 है। आपको 19 मार्च 2020 से पहले पहले अपने आवेदन जो है वो जमा कर देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपको कैसे आवेदन भेजने हैं। दोस्तों आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से आवेदन भेजने हैं, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ये तो है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन से आ रही सरकारी नौकरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए dailynaukri.com के लिंक पे क्लिक करें, वहां पे जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।